आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, बीमार होने का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन एक स्पाइन, केवल केवल एक स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कमर सीधी रखो। जो स्पाइन है, वर्टिब्रा है हमारी, ये चलते बैठते उठते बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर देखिए उम्र से पहले वाली बात है ना, तब तो देखिए वास्तव में आदत चेंज करनी चाहिए। और अगर उम्र के साथ कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो तो प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। मैं बार बार ये सलाह देता हूँ, ये कहता हूँ कि अगर बीमार हो गए तो फिर सब, तो इसलिए कोशिश करें देखिए कि कमर सीधी रहे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए। जिसको सीख देख सकते हैं आप, पहले तो एक एजुकेशन दी जाती थी है ना, और अभी भी देखिए गुरुकुल परंपरा में देख लीजिए आप, योग शास्त्र में आप देख लीजिए, मेडिटेशन में अगर जाएंगे तब तो वहाँ ज़रूरी है, आवश्यक है स्पाइन सीधी रखने। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ, क्योंकि हर दृष्टिकोण से इसको अवॉइड किया गया है। कमर झुका के नहीं चलना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। देखिए इसका इसका साइंटिफिक रीजनिंग्स क्या हो सकते हैं। ये तो देखिए मानते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बड़े सिंपल वे में समझ लीजिए इसको कि अगर हमारी वर्टिब्रा, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पे है अर्थ के रेस्पेक्ट में, तब जो हमारी शरीर की जो एनर्जी है वो शरीर को बैलेंस करने में कम जोर लगेगा उसको। मगर अगर वो हल्की सी भी टिल्टेड है ना, इवन 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, या 25-30 डिग्री है, तब जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे शरीर के और कामों में व्यय होनी चाहिए, वो एनर्जी हमारी व्यय होने लगेगी हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये एक रीज़न बहुत बड़ा साइंटिफिकली, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, है ना। अगर साइंटिफिकली आप जाते हैं किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। और फिर ये हमारी जो एनर्जी अगर वेस्ट होने लगी है ना, मान लीजिए जो हमारी एनर्जी हमारे बॉडी के और कामों में उसको व्यय होना चाहिए, तो फिर हमें क्या होने लगेगा, आप फील करेंगे कि लेथर्जी आने लगी, आलस आने लगा, थकने लगे आप बहुत जल्दी, है ना, एक आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे अपने आप को। अगर इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्लिनिकली इसको आप देखें अगर, तो देखिए जितना हार्ट, जितने लंग्स है ना, जितने वर्टिकल रहेंगे आपके, जितने सीधे रहेंगे, उतनी सांस लेने में आसानी रहेगी, है ना। यानी कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये स्वयं करके आप देख लीजिए। ये कोई मैं कोई इसको प्रूव करने वाली बातें नहीं है। आप बिल्कुल तन के बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, और फिर आप प्राणायाम कीजिए, और थोड़ा सा टिल्टेड होके बैठिए, यानी कि स्पाइन को थोड़ा सा झुका लीजिए आप, फिर आप अपना योग प्राणायाम ध्यान कीजिए। आप अपने आप महसूस कीजिए कि किसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो जो अगर देखिए सीधी सी बात है, स्पाइन अगर हल्की सी भी तिरछी रहेगी ना, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी चैनल है, ये श्वसन तंत्र जो है हमारा, है ना, इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्ली हवा का आवागमन प्रॉपर्ली नहीं होगा। इसके जो मांसपेशियों में दबाव पड़ेगा, है ना, स्पाइन सीधी होगी तो मांसपेशियां बिल्कुल उसमें स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और अगर वर्टिब्रा हमारी झुकी हुई है, कमर हमारी झुकी हुई है, तो मांसपेशियों में दबाव के कारण रेस्पिरेटरी चैनल, जो सांस आना जाना है, ये प्रॉपर नहीं होगा। और अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो रक्त में जो प्योरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि रक्त का प्योरिफिकेशन पूरी तरीके से डिपेंड करता है हवा के इनहेल पे और हवा के एक्सहेल पे, है ना। कैसी हवा हम ले रहे हैं, वो हवा क्या काम कर रही है। तो ये जो हम प्रॉपर्ली अगर बैठे हैं और प्रॉपर्ली हवा आ रही है, यानी हवा मीन्स प्रॉपर हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो ऑक्सीजन शरीर में काम करेगी जो उसको काम करना है। और अगर प्रॉपर नहीं बैठे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो ब्लड अशुद्ध होने लगेगा शुद्ध होने की जगह। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बोक्लिसिन नामक एसिड पैदा करता है। ये एसिड बहुत सारे रोगों का कारण बन सकता है, और हमें लगने लगेगा कि हमारी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, हम आलस्य में डूबते जा रहे हैं, और तरह तरह के रोग हमें घेर रहे हैं। देखिए उनका परीक्षण करके देखा भी जाए, देखा गया है इसको कि एक बहुत बड़ा कारण ब्लड में, हमारे खून में ऑक्सीजनेटेड मात्रा जो है वो अधिक होने लगी। तो इसीलिए जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन क्लिनिकली आपको एडवाइस करेंगे कि जितनी वर्टिब्रा सीधी होगी, जितना हमारा हार्ट सीधा होगा, जितना हमारा लंग्स का जोन सीधा होगा,
उतनी ही ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, इंसान के जो लंग्स हैं, इंसान के जो और फंक्शंस हैं, किडनी है, डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये प्रॉपर होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक, किसी फिजिशियन से आप पता करिए, वो आपको सलाह देगा। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, योग शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है कि स्पाइन सीधी करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो। आप देखिए ना, कोई भी योग अभ्यास करते हैं आप, हस्तमुद्राएं चिकित्सा में, आप मेरे हस्तमुद्रा चिकित्सा के बहुत सारे वीडियोज़ देखिए, मैं किस तरीके से सबसे पहले तो यही करता हूँ कि कमर सीधी हो, स्पाइन सीधी हो, और फिर सांस का आवागमन आप करें, और फिर फील करें आपकी, आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये सीधा सीधा देखिए, जो हमारी स्पाइन, अब वो दृष्ट तो है नहीं, उसको साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं कर सकते आप, मगर जो योग शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, हमारे जो स्पाइन में जो अवस्थित हैं 7 चक्र, इनमें जो एनर्जी का प्रवाह है, उस एनर्जी को हवा बोलें आप, वायु बोलें, प्राण वायु बोलें, शक्ति बोलें, दिव्य ऊर्जा बोलें, है ना, जो भी उसको आप नाम दे सकते हैं, उसका आवागमन प्रॉपरली होता है। और ये जो प्रवाह है, ये सूक्ष्म ऊर्जा है, दिखाई नहीं देती है, ये सूक्ष्म ऊर्जा प्रॉपरली बहेगी स्पाइन में, हमारे 7 चक्रों में चोट करेगी और 7 चक्रों को हमें एनर्जाइज करेगी, प्रॉपर डायरेक्शन में लाएगी, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा एम है, उस एम को पूरा करेगी। तो ये योग शास्त्र की दृष्टिकोण से भी इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अच्छा, चलिए, कुछ नहीं मानते आप तो नैतिकता के दृष्टिकोण से देख लीजिए, आप व्यवहार के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, एक आदमी झुक के चल रहा है, एक आदमी स्ट्रेट चल रहा है, दूर मत जाइए, आर्मी पर्सन्स को देखिए आप, है ना, जो चलते हैं लेफ्ट राइट करते हुए, या स्ट्रेट पे, इवन अगर वो ग्राउंड में नहीं भी हैं, अगर वो 100 आदमी चल रहे हैं और 4 आदमी अगर आर्मी वाले चल रहे हैं, तो आप अलग पहचान लेंगे कि आर्मी का आदमी है, उनकी स्पाइन सीधी, उनकी चाल में एक रिदम है ना, उनकी स्पाइन में बिल्कुल कहीं कोई झुकाव नहीं। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ावा देती है, यानी कि उसकी सुंदरता, उसका व्यक्तित्व, और उसके चलने से, उसकी चाल ढाल से सारे का सारा व्यक्तित्व पढ़ सकते हैं आप उसका, कि व्यक्ति कैसा होगा। मगर ये जब होता है, जब स्पाइन आपकी सीधी हो, जब स्पाइन आपकी बिल्कुल वर्टिब्रा बिल्कुल अर्थ के 90 डिग्री पे हो। अब देखिए, पहले क्या था, पहले तो जो महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनको सलाह दी जाती थी कि कमर झुका के चलो, उसका रीज़न क्या था, शर्मीली होती थी, बिल्कुल लुकी चुकी अपने। अब ज़माना चेंज हो गया है ना, अब लोगों में अवेयरनेस आने लगी है ना, जितना स्ट्रेट होगा बॉडी, जितना हमारा सीधा रहेगा शरीर, उतने रोगों से बचे रह सकते हैं, ये सारा सार निकलता है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए कि कमर अगर हम सीधी रखते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा गेन होगा, हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हमें एक नई उमंग जागृत होगी, हमारे अंदर जो आलस्य है वो दूर होगा, और अगर आलस्य दूर हो गया इंसान का, तब बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप लाइन पे आने लगती हैं, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होने लगती हैं, और रोग शोक आलस्य उदासी, इनसे बचने का तो आप समझिए कि आपने एक अभ्यास शुरू कर दिया, आपने एक क्लास शुरू कर दी। अगर आपने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि मैं जब भी चलूँ, मैं जब भी बैठूँ, ये जब भी मैं लेटूँ इवन, तब भी स्पाइन सीधी आप रखें, और आप देखें आपको कितना अच्छा लगता है। इस छोटे से मेरे वीडियो से मैंने एक आपको संदेश दिया, अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट होती है कि लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना छोटा सा, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।